लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐसे में नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी के सभी इस जद्दोजहद में जुट चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों से अपनी बढ़त हासिल कर सके। ऐसे में एक खास वर्ग महिलाओं का जो इस लोकसभा चुनाव में अपनी खासा भूमिका निभाने वाला है, ऐसा ही एक वर्ग हमारे बीच में मौजूद है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें वो किस तरीके की भूमिका निभाएंगी और वो तत्कालीन सरकार या आने वाली सरकार से किस तरीके की उम्मीद करती हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव है, बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकारें अपने अपने काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार जीतेगी? बीजेपी। अभी तो ये ऐसा ही है कि बीजेपी सरकार का ज़्यादा है और यही है, अधिकतर लोगों का कहना है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ही वापस सरकार? 100% मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो और भी बाकी सरकारें भी तो हैं, वो भी तो काम कर रही हैं? वो सब काम कर रही हैं, लेकिन एक बोलते हैं ना कि घर में जो घर का मुखिया होता है, तो उसी हिसाब से जो हमारे देश का जो मुखिया वो मोदी जी हैं। अच्छा, मोदी जी ने अच्छा महिलाओं के लिए काफी कुछ काम किया है, वो चाहे सिलेंडर देना हो या अकाउंट में पैसे भरवाना हो या बहुत सारी चीजें जो महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया है। और कुछ है जो आपकी जरूरत है? नहीं, ऐसे तो अभी काफी कुछ किया है उन्होंने और उम्मीद है कि वो आगे भी बहुत कुछ करेंगे हम लोगों के लिए, पहले से तो बहुत कुछ किया है। पर बाकी पार्टियां हैं वो भी काम कर रही हैं, मोदी जी के आने से पहले भी तो सरकार चल रही थी, बाकी उस वक्त भी तो कांग्रेस चला रही थी सरकार, बहुत सारा काम कांग्रेस भी तो करी थी, अभी भी कांग्रेस काम कर रही है? नहीं, सरकार तो सभी आती है और कुछ ना कुछ अपना करती ही है, लेकिन इनके आने के बाद जो तरक्की देखने को मिली है देश में वो काबिले तारीफ है। अच्छा, आप कैसे देखेंगे इस लोकसभा चुनाव को, आपको क्या लगता है आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका तो यह रहेगी, हमें हर हाल में 400 पार करना है और हमारे मोदी जी ने जो कार्य किए हैं ना, जैसे कि बहनों को जितनी सुरक्षा मिली है, आज बहन बेटियां कहीं भी जा सकती हैं कभी भी, तो टेंशन नहीं रहती है, माता पिता भी कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो मोदी राज है। अच्छा, तो मोदी राज है, आपने अभी बात की कि बहन बेटियां रात में कहीं भी जा सकती, पर ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में ही बात कर ले हम या और कोई इलाका हो भारत में, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां अभी भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या महिलाएं उतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, रात में वो फ्रीडमली बाहर नहीं जा सकती, तो उसके बाद भी कई ऐसी जगह हैं, लेकिन मोदी जी उसके उपाय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर बहनें सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, और उन्होंने तो इतना अच्छा काम किया है, जो भी अपराधी होते हैं उनकी कार्रवाई इतनी अच्छी की जाती है, तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है। अच्छा, बुलडोजर चला देते हैं, मोदी जी की सरकार बुलडोजर सरकार है आपके? नहीं, बुलडोजर सरकार नहीं है, लेकिन वह अच्छा कार्य कर रही है और करना चाहिए, मैं तो चाहती हूँ जिस तरह इन लोगों को तो फांसी भी लगनी चाहिए ऐसे अपराधियों को। अच्छा, मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया, पुरुष वर्ग एक ऐसा है जिसके लिए शायद अगर तुलना की जाए महिलाओं से तो बहुत कुछ कम हुआ है, क्या पुरुषों के लिए भी कुछ करना चाहिए? नहीं, जितना संभव है वो कर ही रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से जितना संभव है वो कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी महिलाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, हर महिला चाहती है कि एक बार फिर से मोदी जी ही वापस आएं, पर बाकी जो पार्टीज हैं उनका क्या, वो भी काम कर रही हैं, कांग्रेस है या आप है या और भी कोई अन्य पार्टी है जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल करें, तो उनका क्या किरदार होगा, वो किस तरीके से बाकी पार्टियों को देखेंगी, वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी पार्टियां हैं जो कांग्रेस हो गई या और कोई पार्टी हो गई, वो भी तो काम कर रही है। हाँ, कर रही हैं सब अपनी के लिए, लेकिन बीजेपी का कुछ ज्यादा है। अच्छा, बाकी पार्टियां भी काम कर रही हैं पर आपके लिए बीजेपी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है जी, तो बदलाव जरूरी नहीं है क्या, क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी ही है केंद्र में, अब क्या दूसरी पार्टी को आना चाहिए? तो अभी तक कोई ऐसी पार्टी आई नहीं है ना, दमदार पार्टी तो हमें बीजेपी ही दिख रही है। अच्छा, आपके लिए बीजेपी एक दमदार पार्टी है, अगर बीजेपी के अलावा बाकी भी पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं, अगर वो सरकार में नहीं आ पाती हैं किसी भी कारणवश, तो आपको, आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आप क्या बदलाव करें जो आम जनता पसंद करे? जैसे कि मोदी जी ने नए नए बदलाव महिलाओं के लिए किए हैं, वैसे ही उन्हें भी करना चाहिए, सुरक्षित, सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षित किया गया है, महिलाएं पहले बाहर निकलने में डरती थी, अब महिलाएं निकलने में नहीं डरती है, वो सुरक्षित है, कभी रात को 12 बजे भी निकलेगी तो घर से वो निःशुल्क उसे डर जाती है,
तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कुछ ऐसा करें जिससे महिलाओं को भी सम्मान मिले, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो और भी पार्टियां जो हैं वो भी तो लगातार काम कर रही हैं, सिर्फ बीजेपी ही नहीं, और भी पार्टियां लगातार काम कर रही, तो आप उनको क्या कहेंगे? मैं उन्हें यही कहूंगी कि जैसे भी कौन सी कांग्रेस हुई, बीजेपी की अदर पार्टी हुई, उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप भी मोदी जी ने जैसे कार्य किए हैं आप उनसे अधिक अच्छे कार्य करो। जनता सहमत नहीं, जनता सहमत नहीं और पार्टियों से, यदि जनता सहमत जिससे होगी वो उसी पार्टी को। आपको किस चीज से फिर सहमति मिलेगी, क्या चीज है जो आपको संतुष्ट करेगी और आप दूसरी पार्टी को वोट करेगी? देखिए अभी तक हमने करप्शन के बारे में जो सुना, अभी तक हमने जो करप्शन देखा है वो और पार्टियों से मिला है और बीजेपी की पार्टी से नहीं है। सबसे पहले करप्शन जो किया वो बीजेपी पार्टी ने ही खत्म किया, इसलिए सभी का सुझाव बीजेपी की तरफ जाता है। अच्छा, करप्शन को आप देखेंगी कि करप्शन हो रहा है तो इसलिए बाकी पार्टियों को वोट नहीं करेंगे, तो क्या इस करप्शन को सुधारने के लिए बाकी पार्टियों को क्या करना चाहिए? अपने भ्रष्टाचार और करप्शन को रोकना चाहिए, उसके लिए अच्छे मतलब महिलाओं के लिए अच्छा काम करे, देश के लिए काम करे, जो उस तरह से काम करना चाहिए। अच्छा, महिलाएं हैं जो प्राइवेट जॉब्स करती हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो उन्हें एक तरीके से कहा जा सकता है आरक्षण मिलता है, ठीक है कि इतनी सीटें महिलाओं के लिए, इतनी सीटें इसके लिए। क्या प्राइवेट जॉब्स में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए? मिलना तो चाहिए थोड़ा बहुत तो। अच्छा, आप हाउसवाइफ हैं क्या, आप काम करती हैं? मैं दोनों हूँ। अच्छा, काम तो ये बैलेंस करना आसान रहता है? जी बिल्कुल। तो घर में सपोर्ट रहता है, सबका सपोर्ट रहता है, तभी फैमिली से हूँ। हाँ। और मैं हाउसवाइफ भी हूँ और पार्लर का काम भी करती हूँ, तो इस वजह से मतलब मैं बैलेंस रहता है, बैलेंस कर लेते हैं। बहुत मतलब लेकिन मुश्किल हो जाता है एक पॉइंट पे। मुश्किल तो होता है लेकिन जब घर का सपोर्ट है तो। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा बीच का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए कि महिलाएं काम भी कर सकें, महिलाएं घर भी बहुत अच्छे से संभाल सकें और सरकार की तरफ से भी उन्हें कोई उम्मीद मदद मिले? अब देखिए इसमें सरकार क्या करेगी, अब घर का काम है, घर का काम तो महिलाओं को करना पड़ेगा, सरकार आके तो अपनी हेल्प करेगी नहीं। अब ये है कि हाँ उन्होंने बहुत सी फैसिलिटी दे रखी है अपने को, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा टाइम निकाल के अपन अपनी फैमिली को भी दे रहे हैं और थोड़ा सा अपन अच्छा, जितनी योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें, हम यहाँ के निवासी हैं, मध्य प्रदेश में जो भी लाडली बहना योजना चल रही है या कोई और योजना, क्या आप उनमें से किसी योजना का लाभ ले रही हैं? जी। कौन सी योजना? मेरी लाडली बहना योजना भी है। अच्छा, लाडली बहना योजना, हर महीने अकाउंट में मतलब पैसे आ रहे हैं? जी बिल्कुल। और कितने लोगों के आते हैं आपके घर? ये मेरे ननंद के भी आते हैं, मेरी देवरानी को भी आते हैं, मेरी जेठानी को भी आते। अच्छा, आप किसी योजना का लाभ ले रही हैं मध्य प्रदेश सरकार की? नहीं, मैंने तो नहीं लिया, लेकिन हाँ आयुष्मान कार्ड का अभी मेरे पतिदेव गैस राहत पीड़ित हैं तो अभी हमने डाला है, वो आएगा आयुष्मान कार्ड। अच्छा, लाडली बहना का कल नहीं ले रही? लाडली बहना का क्यों नहीं ले रही हैं आप? मैं इस उसमें नहीं आती हूँ। अच्छा, जनरल कैटेगरी, तो ये तो फिर कैटेगरी नहीं, एक्चुअल मैं हाँ आईटी वगैरह। अच्छा, इस मतलब कई सारे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से लाडली बहना का आप लाभ नहीं ले रहे, पर ऐसा क्यों? अगर योजना सरकार ने निकाली है तो क्या सबके लिए होनी चाहिए? इसमें कोई इनकम टैक्स या फिर कोई भी कास्ट या कैटेगरी ये सब नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता है, जो लाभ मिलना चाहिए वह गरीब को ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो आईटीआर हैं उनको मिलना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि सक्षम है सक्षम को नहीं मिलना चाहिए, ये मैं नहीं मानती। अच्छा, महिलाएं जो हैं आज की महिलाओं के साथ कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है वो करने जाती हैं पर उन्हें वो काम करने नहीं दिया जाता है, कई जगह डोमिनेट होते हैं, मर्दों से डोमिनेट किया जाता है उन्हें कि अरे ये काम तो महिलाओं का नहीं है, अरे ये काम तो पुरुषों का है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ कहीं सरकार को इसमें कहीं दखल अंदाजी करनी चाहिए? नहीं, ऐसा माहौल होता है जैसे कि घर का माहौल ही ऐसा होता है कि हम खुद भी पहले नहीं निकल पाते थे, घर के सदस्य नहीं निकलने पर, जैसे जैसे माहौल मोदी जी के कारण चेंज होता गया और हम वैसे वैसे माहौल चेंज होता गया, जैसे जैसे सोच घर की चेंज होती गई और हमें भी बाहर निकलने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, ये सब मोदी जी के कारण हुआ है और इसीलिए अब की बार 400 पार मोदी सरकार फिर से हम चाहेंगे। अच्छा, आप चाहती हैं कि फिर से मोदी सरकार आए। अच्छा, जो पार्टी जो काम नहीं, जो सरकार नहीं बना पाएगी, आप उसे क्या सुझाव देना चाहेंगी कि वो किस तरीके का बदलाव करे?
देखो पार्टी तो अभी तक तो मोदी जी के अलावा कोई आ नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। आगे भी हम चाहेंगे कि अभी नहीं, ये 5 साल ही नहीं, आगे और भी मतलब 10 साल तक हम मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। कई ऐसे हिंदुस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ या तो मोदी की गारंटी हो जाए या मध्य प्रदेश में मोहन सरकार हो जाए, उनके कुछ स्कीमें हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ उनकी योजनाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, दूसरी जगह ऐसी योजनाएं नहीं पहुँच पा रही है, वो किसी की गलती के कारण नहीं पहुँच पाती है। जैसे कि योजनाएं तो सबको दी जाती है, कहीं गाँव में है तो किसी के द्वारा नहीं पहुँच पाती, ये जनताओं की गलती पार्टी की गलती होती है जो जनताओं को भुगतनी पड़ती है। तो जिस तरीके से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी के सभी चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें हासिल हो, पर महिलाएं कुछ और ही चाहती हैं, सरकार से महिलाओं की उम्मीद कुछ और ही है। ऐसे में महिलाओं का जो रोल है लोकसभा चुनाव में वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। लोकसभा चुनाव है, आपको लगता है आप वोट करेंगी तो क्या देख के वोट करेंगी, पहले ये बताइए, आप चेहरा देख के वोट करेंगी, आप काम देख के वोट करेंगी, क्या देख के वोट करेंगी? नहीं, हम काम देख के वोट करेंगे, मोदी जी के बहुत अच्छे काम होंगे, ये वो जगह जगह सभी उनकी जितनी भी योजना है सब बहुत अच्छी होंगी, और जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, आवास योजना हुई, पीएम आवास योजना, ऐसे बहुत अच्छा, आप किसी योजना का लाभ उठा रही है मोदी जी की? नहीं, हम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि अपन मध्यम वर्ग के हैं, ये सब मिडिल क्लास के लिए है योजना, जिनको जरूरत है। अब अपन तो ठीक है, यानी मध्यम वर्गीय से आते हैं, इसलिए हम नहीं उठा रहे हैं कोई भी योजनाओं का। पर आपको नहीं लगता कि ये गलत बात है कि कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है? बराबरी की बात की जाती है हमेशा, तो क्या बराबरी इस मामले में भी करनी चाहिए? नहीं नहीं, जिनको जरूरत है उनको, जैसे नीचे स्तर के जो लोग हैं उनको बहुत जरूरत होती है, उनको छोटी छोटी योजनाओं का लाभ भी मिलता है तो वो उनके लिए बहुत महत्व रखता हैगा, इसलिए उन्हें मिलना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, देखा जाए तो आप लोग एक गृहिणी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है आपके किचन में रहता है। किचन एक ऐसी चीज है जहाँ से आपका दिन शुरू होता है और वहीं पे आपका दिन खत्म होता है, तो क्या सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपकी किचन पे जो बजट पे प्रभार पड़ता है क्या वो कम हो जाए, कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए? जी, वो तो करना चाहिए, और अभी हुआ भी है, अभी एक योजना आई है जिसमें आपको सिलेंडर की कीमत भी कम बताई गई है, प्लस उसमें आपको गैस चूल्हा भी दिया जा रहा है, तो इसमें मतलब हर घर में ये योजना जा रही है। अच्छा, आप क्या देख के वोट करेंगी, चेहरा देख के वोट करेंगी, काम देख के वोट करेंगी कि क्या देखेंगी? ऑब्वियसली काम देखकर ही, कोई भी हो वो काम देखकर ही वोट करेगा। तो काम देखकर अगर वोट करने की बात कही जाए तो काम तो बीजेपी सरकार के आने से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बहुत कुछ किया गया था, तब भी महिलाओं के लिए, लोगों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारा काम किया गया था। देखो, करते तो सभी हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं किया गया था जो अब हो रहा है, हर जगह होता है, लेकिन अब जो है बहुत बहुत कुछ अच्छा हुआ है, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ। तो देखा आपने कि आज की जो महिलाएं हैं जिनका किरदार लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है काम। एक तरीके से कहा जा सके तो शायद उनके लिए चेहरा ज़रूरी नहीं है, उनके लिए काम ज़रूरी है। जो पार्टी उनके लिए बेहतर काम करेगी शायद उनका वोट उन्हीं की तरफ जाएगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, न्यूज़ 24 भोपाल।